वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में आपने तीन या चार क्वेश्चन देखे होंगे जो कि बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के पेज से रन कराए जा रहे थे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? पेज। पेज मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन CBSE। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कुछ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को टच करने की कोशिश करते हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है या जो लोग प्रॉपर चैनल पर रिवीजन करना चाहते हैं। इसमें आपके पास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो यस ओब्रॉय, प्लीज़ रीड अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 + x² dy/dx + y इसका टू 10 इनवर्स x। कौन सा ये फॉर्मेट है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर का फॉर्म है और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि श्वेता इस तरह से रिप्लाई करेंगी। 1 + x² 10 inverse x / 1 + x². हमने क्या किया? इसको कंपेयर कराया। बताइए भाई लक्ष्मी, किससे कंपेयर कराएंगे? +py = q। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्मी इस तरह से मुंह बंद किए बैठी रहेंगी। 1 + x² q की वैल्यू क्या है? 10 inverse x + 1 + x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में तब्दील होगा? e^(p)dx। इंटीग्रेशन e^(p)dx। इंटीग्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 1/(1 + x²dx) 1/(1 + x² का इंटीग्रेशन। बढ़िया, यस 10 inverse x। यहाँ से जो सोल्यूशन जाएगा वो क्या जाएगा? y(IF)² ये क्या है? सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन q(IF)dx और साथ में +c। कोई समस्या यहाँ तक? यहाँ से y(इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? e^(10 inverse x) व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? 10 inverse x / 1 + x² e^(10 inverse x) dx + c। कोई समस्या? किसको t लेट करेंगे? 10 inverse x को। बिल्कुल सही जवाब है। हमने लेट किया 10 inverse x को t, डिफ्रेंशिएट किया 1/(1 + x²)(dt). अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इतना पोर्शन मुझे लगता है शायद हट जाएगा। कौन सा? 1 + x² dx। बोलो हटेगा इतना पोर्शन क्या? नहीं हटेगा। तो अब जो बच रहा है उसको मेंशन करेंगे और यहाँ से हमको देखने को मिलेगा y(e^(10 inverse x) इक्वल इंटीग्रेशन t(e^(t)dt और प्लस का c। मैडम यहाँ dx की जगह पर dt होगा, ठीक है? ठीक है, ये देखिए मैंने पहले ही आपको ये सब याद करा रखा है। यहाँ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? e^(10 inverse x) e^(t) और फिर साथ में t - 1 + c। सब तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा है, ये सब कुछ याद होना चाहिए बेहतर तरह से। अभी देखो ये सीधे एग्जाम में पूछा गया यूपी बोर्ड में सीधे, और मैंने पहले ही याद करा था। मैंने कहा था कि सब चीज़ें हमें सीधे ज़रूरत पड़ेगी। देखो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? उसके बाद भी अगर अभी भी ठोकर खाने के बाद भी अगर दूसरों को गिरता हुआ देख करके भी ना संभले तो फिर बेकार है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है? e^(10 inverse x) = e^(10 inverse x) यार मुझे लग रहा है जैसे क्वेश्चन कल बताया था। 10 inverse x - 1 + c डिवाइड करा देते हैं तो y = यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा 10 inverse x - 1 e^(ना ना ना ना, ना, ना +c e^(-10 inverse x)। बस यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किस ईयर में पूछा गया है? ईयर भी बता दिया करें। 2014 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया गया है CBSE। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन x²-1। यार अब मुझे लगता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो शायद आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो तो वो पूछते रहो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो फिर तुम लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे। क्या है e^(x²-1)? हाँ dy/dx हाँ +2xy हाँ = 2/(x²-1)। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होगा होमवर्क। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर आपके पास क्या आ रहा है। फिर नेक्स्ट y + x dy/dx x - y x - y dy/dx
दोनों में डी वाई बाई डी एक्स प्लस जे इक्वल, ये है क्वेश्चन। अरे नहीं भाई, ये क्वेश्चन दो बार डिफरेंशियल कोफिशिएंट थोड़े ही आ जाएंगे, कहां पर है y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। पहले देखो ना ध्यान से, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इसकस टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। चलिए कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करते हैं। y डी वाई बाई डी एक्स वाले सारे टर्म्स एक साथ लाओ तो x डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर आता है, प्लस का y डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर आता है, इक्वल में x माइनस वाई आ जाता है। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन करते हैं तो मुझे लग रहा है कॉमन हमें क्या देखने को मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरह से रिप्रेजेंट करें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक? ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन बोली जाएगी, ये कौन सी इक्वेशन बोली जाएगी? होमोजीनियस इज द करेक्ट आंसर, गुड। देखिए यस ओबराज भाई पढ़ करके आए हैं भाई, बहुत बढ़िया। यस, होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड क्या था y इक्वल्स टू dy बाय dx के लिए, y इक्वल्स टू vx। अब मैंने पहले बोल दिया तो तुम लोग बता ही ले जाओगे, हमने लेट किया y इक्वल्स टू vx, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय dx की वैल्यू यहां से क्या जनरेट होगी, जगह से dy बाय dx की वैल्यू बोलो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये ठीक बात नहीं है, ये जो आप कर रही हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। इन सारी वैल्यूज को उठाया और उठा करके कहाँ रख दिया, इन वन, कहाँ पर, इन इक्वेशन वन। कोई समस्या? अब हमने यहाँ से कुछ नोटिस किया, क्या नोटिस किया जरा देख लेते हैं। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल x माइनस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस का वी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ से? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी। नहीं, मेरी बात समझे। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चली है कि x की पावर जीरो मिलेगा। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मतलब अगर हम पूछें किस डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो जीरो डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। हालांकि ये सब हमें लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल के लिए मैं क्या करना होगा, v वाले सारे टर्म्स एक साथ और x वाले सारे टर्म्स एक साथ। मुझे लगता है शायद एलसीएम ले लेना चाहिए, तो माइनस वन माइनस वी माइनस वी माइनस वी स्क्वायर वन प्लस वी। हाँ बोलो बोलो भैया बाबू, यस क्या कहना चाहते हो? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आजकल इशारों में बहुत बात कर रहे हो। यहाँ से जब कैलकुलेट किया वन माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी, क्या करना चाहिए इसके बाद? वेरिएबल सेपरेबल, बेटा पता नहीं है, हैं इसीलिए मुंह बंद किए बैठे हो। यहाँ से तुमको क्या पता चलेगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स। हाँ लक्ष्मी बोलो क्या कह रही थी भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुमने जवाब दिया अति उत्तम। यहां से 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये वाला पोर्शन कैसे इंटीग्रेट होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य है। गुड कह रही, बढ़िया बढ़िया, सही कह रही हो, मतलब सही कह रही हो, आगे बढ़ा जाए। ये क्या कहना चाहती है, 1 माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर को अब एक बार ऊपर कुछ नहीं लेट किया है तो टी लेट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करो इसे। माइनस टू माइनस का टू वी और साथ में डी वी इसकस टू डी टी, बोलो बनता है या नहीं बनता है? माइनस टू को हमने क्या कर लिया, कॉमन किया। जैसे ही हमने कॉमन किया माइनस टू को तो हमें देखने को मिलेगा वन प्लस वी डी वी इसकस टू, क्या देखने को मिलता है, डी टी। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? यहाँ से वन प्लस वी डी वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का वन अपॉन टू डी टी। 1 प्लस वी डी वी की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, माइनस का 1 अपॉन 2 डी वी। तो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा इस, यही वाला पोर्शन पिक कर रहे हैं ठीक है। इस जगह से हमें देखने को मिलता है 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन 2 डी टी। पहले तो ये बोलो ये इतनी बात समझे या नहीं समझे, इक्वल में करके 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ना मेरी बात समझ आई, नहीं मेरी बात समझ आई? इस 2 को हमने इधर भेज दिया उठा करके, तो ये तुमको देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस का वन अपॉन टी डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत? इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है,
लॉग टी इक्वल्स टू इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं टू लॉग एक्स प्लस का लॉग सी। यहां से अगर हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। लॉग वन अपॉन टी इक्वल्स टू लॉग सी एक्स स्क्वायर, नहीं समझे? एंटी लॉग लिया, वन अपॉन टी इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर बना। यहां से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी क्या था, वन माइनस टू वी माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। वी की वैल्यू हमने कहां से जनरेट किया, यहां से जनरेट किया वी की वैल्यू वाई बाई एक्स, रख दो जरा यहां पर। तो वन अपॉन वन माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर। यहां से जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहां से सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है या नहीं होता है, तो यहां से हमको देखने को मिलता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से तुम्हें कांस्टेंट सी देखने को मिलेगा। एक काम करते हैं, इस सी को नीचे ले आते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहां से तुमको आउटपुट अब कहां पर लिख दिया जाए भाई, अब कहां पर लिखा जाए भाई, चलो ग्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देने पर तुमको देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई कहां, और इक्वल तुमको देखने को मिलेगा वन अपॉन सी। वन अपॉन सी को एक न्यू कांस्टेंट हमने अज्यूम किया और अब ये जो न्यू कांस्टेंट है ये न्यू कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। आंसर मैच कराओ और देखो आंसर टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। डन डन, ठीक है, नहीं आंसर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। फटाफट इसको नोट करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो एक सीरीज अपनी कंप्लीट हुई है, और भी क्वेश्चंस अगर अपने पास हो तो प्लीज। हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया तो हमें देखने को मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर डी वाई। हम फॉर्म किसका बनाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स का बनाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस ऑर्डर का होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है साफ समझ में आ रहा है। हर टर्म का डिग्री कितना जा रहा है, टू जा रहा है। अरे यहाँ पर देखो इसका डिग्री टू है, इसका डिग्री टू है, इसका डिग्री टू है, और ये वन प्लस वन मिलकर के टू नहीं बना देगा, हर टर्म का डिग्री टू जा रहा है। तो हमें बेसिकली क्या करना है कि ये पता करना है किस डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन। और इसके लिए मैंने तुमको क्या समझाया था, इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को समझाया था कि यू हैव टू कॉमन एक्स स्क्वायर मीन्स हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मुझे लगता है थ्री वाई अपॉन एक्स बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, होल अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रही है, वन प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। और अगर हम पूरे सिस्टम के बाहर देखें तो एक्स की पावर जीरो नहीं आ जाएगा। किस किस डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, जीरो डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ से सीबीएसई में एक क्वेश्चन के पूछ लेता है। अब इसके आगे कि मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ डिस्कस करने वाली है। लेट वाई इक्वल्स टू वी एक्स, अभी एक सवाल बताया, इसको अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर को एक्सेस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई आप सभी लोगों को करने हैं। डू योर सेल्फ, अगर तुम लोग चाहते हो, डू योर सेल्फ, अगर तुम लोग चाहते हो कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो तो फिर तुमको कुछ कलम उठाना होगा, ठीक है। क्या है, एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई थ्री टू दी पावर थ्री एक्स ए टू दी पावर थ्री एक्स, सही है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अभी आपको देखने को मिल रहा है, कोई समस्या? देखो ये सब कुछ सही लिखा गया है, रिप्रेजेंटेशन सही है। पिछली बार वाले में डी वाई बाई डी एक्स में थोड़ा सा लोचा था,
चलो भैया तो ठीक है, इस बार कोई लोचा ओचा नहीं है। एक्स प्लस वन से हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ से डिवाइड कराया, हमें क्या देखने को मिलता है, टू दी पावर 3x एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है। यहाँ से कौन सा फॉर्म ये बन रहा है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किससे कंपेयर कराएंगे, किससे कंपेयर कराएंगे, बिल्कुल डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। श्वेता एकदम सही कह रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, बहुत बढ़िया श्वेता। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोथ ऑफ यू। आगे समझने का प्रयास करते हैं, अगर आप भी अपनी अमृतवाणी से हम लोग को नहलाएंगे तो हम लोग तर जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, आप हमें सुनाई नहीं दिया भाई, अद्भुत, बहुत बढ़िया। आप बोल रही है लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ए टू दी पावर पी डी एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। चलो अच्छा तुम ही बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन। बिल्कुल सही जवाब है, माइनस का लॉग एक्स प्लस वन। इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा बाबू, मॉड ऑड नहीं। हाँ ये देखिए, ये हैं पढ़ने वाले बच्चे, ये सब चल बसेगा। क्या बचेगा, एक्स प्लस वन टू दी होल पावर माइनस वन। क्या दिखता है, एक्स प्लस वन। बोलो दिखता है या नहीं दिखता है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके बाद हमको हाँ सोल्यूशन जनरेट करना होगा। सोल्यूशन इज क्या जनरेट होगा, बिल्कुल सही जवाब है, वाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ। क्यू की वैल्यू है 3x, x प्लस वन का होल क्यूब और फिर x प्लस वन। और मुझे लगता है ये इसकी एक पावर रिड्यूस कर देगा, तो सीधे कर रहे हैं कहाँ पर, अच्छा अच्छा नीचे वाली इक्वेशन है, ठीक कह रही हो। तो ये इसकी एक पावर को देखो पूरा डेड कर देगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात है। यहाँ मैं फिर लिख देना चाहता हूँ, डू योर सेल्फ, ना कर पाओ तो भैया बताओ जल्दी से। गुड डन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ई टू दी पावर टू एक्स डी वाई वन प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। क्या ये एक्सप्रेशन अभी आप देख पा रहे हैं, क्या यही मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया, कुछ ब्रैकेट का हेर फेर है, सही है, बिल्कुल सही। तो अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे। ये वेरिएबल सेपरेबल का केस है, ये किसका केस है, वेरिएबल सेपरेबल, वाई वाले सारे टर्म्स एक साथ। तो मुझे लगता है ये होना चाहिए डी वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वन प्लस e टू दी पावर टू है। बोलो गलत बात तो नहीं सिखा दी, ये वाला हिस्सा ऐसे ही रखेंगे। लेकिन इस हिस्से में एक दर्द भरी बात है और इस दर्द को जो है दूर करना होगा। क्या ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अगर इसमें e की पावर एक्स को टिलट कर ले तो ये खत्म हो जाएगा, और अगर ऐसा करते हैं तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या होगा इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स एक्स। तो इंटीग्रेट सीधे कर दिया जाए, वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स वन प्लस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा टेन इनवर्स वाई प्लस का, यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू सी 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 जीरो नहीं, और यही होगा फाइनल आंसर। डन, अच्छा इसमें एक कंडीशन हमको वेरीफाई करानी है, वाई वन मतलब ये, इसी बात को हम लोग लिखते हैं when y is one x is zero। मेरी बात सभी लोग समझ पाए, तो ये एक्सप्रेशन जो भी आप देख रहे हैं चाहे ये हो चाहे ये हो दोनों का सेम मीनिंग होता है। यहां पर अगर इस तरह से रिप्रेजेंट होता है तो ये असल में रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, x का। सिंपली हमें क्या करना है, x की जगह पर जीरो रख देना है, y की जगह पर वन रख देना है। जैसे ही हमने इस हरकत को अंजाम दिया हमें देखने को मिलेगा टेन इनवर्स वन प्लस tan inverse e to the power 0 is equals to c, यानी tan inverse 1 यहाँ से और फिर यहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलता है tan inverse 1 is equals to c, ये pi by 4, good, बहुत बढ़िया, is equals to c, तो c की वैल्यू मिल जाती है pi by 2 और इसको उठाया ला करके 1 में रख दिया। याद रखना जब भी इस तरीके से कोई कंडीशंस दी होती है तो इन कंडीशंस का मतलब केवल इतना होता है कि डिटरमाइन आर्बिट्री कांस्टेंट सी। आपको क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन आर्बिट्री कांस्टेंट सी। जैसे ही इसको यहाँ पर रखा तो एक्सप्रेशन अभी जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें क्या देखने को मिलेगा,
टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू वाई बाई टू, यही है फाइनल आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ये वाला ईयर भी थोड़ा सा बताते रहा करो ताकि इन लोग को पता चलता रहे। 2016 और ये वाला, ये भी 2016, ये वाला 2011, पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस हम लोगों को कवर करने हैं। हाँ फिर बोलो। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई ये कॉस वाई बाई एक्स इसी तरह से है। 2013 में ये सवाल आया है। मुझे तो लगता है कि काफी हद तक जो क्राइटेरिया टैली हो रहा है वो एक्चुअली लीनियर से हो रहा है, लेकिन याद रखना लीनियर में जो यहाँ पर हिस्सा होता है वो सेपरेट, मतलब या तो फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ वाई और कांस्टेंट, जबकि इसमें वाई अपॉन एक्स एक मिक्सअप फॉर्म पर देखने को मिल रहा है। नहीं मेरी बात समझे, ये यही केस है। चलो हम लेट करेंगे वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी, क्योंकि जब तक ये सेपरेट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो y की जगह पर क्या बनेगा वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाती है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, सारी वैल्यू उसको उठा करके पुट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस का एक्स वी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस कॉस वी, कोई समस्या देखें यार बुक देखें जरा, कॉस वाई अपॉन एक्स ही है, ठीक है ठीक है, कॉस वाई अपॉन एक्स ही है। चलो यहाँ से देख लेते हैं भाई, एक एक्स स्क्वायर मुझे लग रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस का वी एक्स स्क्वायर वन प्लस का कॉस वी, ये जनरेट हो रहा है यार। अगर इसको हम अंदर भेज दें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब डी वी बाई डी एक्स माइनस का वी एक्स स्क्वायर वन प्लस का कॉस वी, ये इसको कैंसिल कर देता है। यहां से देखने को मिलता है एक्स क्यूब साथ में डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस, इसको हम लिखना चाह रहे हैं टू कॉस स्क्वायर वी बाई टू माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, जो टू बच रहा है इसको फिर मेंटेन करने की कोशिश करेंगे डी वी बाई डी एक्स, यहां से हम सेपरेट कर रहे हैं तो एक्स वाले सारे टर्म्स एक साथ और वी वाले सारे टर्म्स एक साथ, ये अपॉन में आएगा मतलब sec स्क्वायर v बाई टू डी वी बना देगा, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये अपॉन में आएगा तो 2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बना देगा। मुझे लगता है अब ये इजिली वैल्यूएट हो जाएगा, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कर देने के बाद में यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ v और फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। सवाल अच्छा था, लग रहा था लीनियर का केस है लेकिन वास्तव में ये लीनियर का केस था नहीं। मेरी बात समझे या नहीं समझे, तो वो आर्टिकल पढ़ाया हुआ जिसमें बताया हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू से जब कंपेयर कराते हैं तो वी ये पी और क्यू क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। डन, यहाँ से इसका भी अभी आपको क्या करना है डू योर सेल्फ, इसका भी आपको रिप्लाई देना है। डन, तो फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।